जब मैं 2 साल का था मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। चली गई? भाग गई। मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई। My mom. I know. I'm so sorry. Finally, જીજાજી તમને પ્રપોઝ કરવાના છે. પહેલા તો તું આ જીજાજી કરવાનું બંધ કર દે. બહુ ચીપ લાગે છે. નામ લેતા મોડામાં લાડવા ઉડે છે ને મારી સામે નાટકો કરે છે. ચાલ 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 લા લા લા. હું જાઉં છું. ક્યાં જવું છે? તું મુઝે થાલી કલેગી? નહીં, મેં નહીં તળુંગી. કર લેના. નહીં. કર લેના, મેં તેકો તોફી દુંગા. ઇસલિયે તો નહીં કર લી, ક્યોંકિ મેરી પહેલે સે કિસી સે તુલતુલે મેં બાત હો ગઈ હૈ. હમ દોનો બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ હૈ ક્યા? No. क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग होती है। फिर मैं जब घर आती हूँ तो बोलता है बेबी तुम मुझसे गुस्सा हो, बताओ ना गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो? अरे यार, अगर मैं गुस्से के बीच में बताने बैठ गई कि मैं गुस्सा क्यों, तो मैं गुस्सा कब करूंगी? कैरेक्टर नहीं ब्रेक हो जाएगा मेरा? हाँ देखो नंदू, नजर हटा लो वरना रस्सी छूट जाएगी। छूटने दो। झूमर गिर जाएगा। गिरने दो। शीशे टूट जाएंगे। टूट जाने दो। और अगर शीशे टूटे तो पलके चिपक जाएंगी। बहन बना के ले जाएगा, गर्लफ्रेंड बना के? जैसे तू ठीक समझे, मैं ओपन माइंडेड हूँ। ओ, 1.5 महीने बाद ना मेरी शादी है। ओ, पार्टी इतनी लंबी नहीं चलने वाली, आज रात तक खत्म हो जानी। कितने बजे? जब तक इन्हें हाँ ना बोलो तब तक तो कुत्तों की तरह पीछे पड़े रहेंगे, और जब हाँ बोल दो तो ओए हो, 2-4 दिन बड़े प्यार से बात करेंगे। मेरे शोना बेबी ने खाना खाया, और मेरा बेबी अपसेट है, मेरे बेबी को क्या हो गया? और 2-3 दिन बाद ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे हम इनकी गर्लफ्रेंड नहीं, इनके लैंडलॉर्ड। जब ट्राई करना होता है तो सुबह 4 बजे तक मैसेज आता है, सो गई बेबी, सो गई, लगता है सो गई, गुड नाइट, प्लीज उठ जाना। अरे यार, लेकिन लड़की ने जैसे ही हाँ कर दिया वैसे सारा इंटरेस्ट खत्म, क्योंकि अब तो कर ली दुनिया मुट्ठी में। हेलो, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता तार, सेल्फी मैंने ले लिया। रख, रख तेरी माँ की, रख। मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, पर अभी तक तुम्हारे साथ मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है और कुछ करोगे भी नहीं, और तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है। पूछते हु इज मोर इम्पोर्टेंट, हिम और मी? ए, आई एम मोर इम्पोर्टेंट देन द बोथ ऑफ यू ब्लडी। जस्ट बिकॉज आई एम हैंगिंग विद अ गाय डजंट मीन आई एम चीटिंग ऑन यू। और अगर ये तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारी अंदर की इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से मैं अपनी सोशल लाइफ छोड़ दूंगी। मैंने उसका फोन काट दिया, फिर उठाया ही नहीं,